हमारे विधेयक पराग आडवाणी जी भी जल्द ही यहाँ उपस्थित होंगे, और मैं भूल गया हमारे हमारे बीच में डॉक्टर विठल कामत यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम के आयोजन में श्री आदिनाथ मंगेशकर, एडवोकेट त्रिगुण पटवर्धन, मुकुंद बिवलकर, तुकाराम जाधव जी तथा रहमान जी के मैनेजर श्री राव साहब, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और हरीश जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। धन्यवाद। नया नया गायक या गायिका आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? सबसे पहले तो किसी से जान पहचान, किसी स्टूडियो में माइक्रोफोन से मुलाकात करवा सके, फिर अगर अपनी मेहनत और किस्मत ने साथ दिया तो गाना रिकॉर्ड हो या गायिका बन जाए। लेकिन फिर भी एक हसरत रह जाती है कि मुझे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर शिष्य या शिष्या के रूप में स्वीकार करें। देवी और सज्जनों, सुरुचिपूर्ण संगीत के सृजनकर्ता पंडित जी, आप आरंभ करें, उससे पहले सबका फूलों से स्वागत कर लें। हृदय शार्ट्स की ओर से श्री प्रभा वड़कर, A.R. रहमान, पंडित विश्वमोहन भट्ट, say about the next Grammy winner, yo, Ricky Page. Chairman Saraswat Bank, Mr. Kishore Rangnekar, Director Saraswat Bank. Co-sponsors Polycab, Mr. Yatindra Pal, Marketing Director, Mr. Sudhir Pawar, Vice President RIL, Reliance Industries Limited, and Mr. Arun Bongirbar, ex-Chief Secretary, Government of Maharashtra. अभी मुझे पीछे से ट्रेलर तो सुनाया गया लेकिन फिल्म शुरू नहीं हुई, वरना सुभाष घई भी आ रहे हैं। फिल्म के आने से पहले भी बहुत मार्केटिंग होती है इसकी। लता मंगेशकर हैज वंस फेमसली सेड कि जब एक बार तय कर लिया
वो मिले कैसे नहीं। अब ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है करने में उतनी ना भी हो, क्योंकि इसका मतलब पहले ये हुआ कि आपको अपना लक्ष्य तय करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने संयोग को जानना है और उसके बाद पूरा ध्यान केंद्रित करना है, बिकॉज फोकस इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ सुप्रीम सक्सेस। लेकिन कुछ गिने कि मैं अच्छा तो हूं, मैं अलग तो हूं, लेकिन अविस्मरणीय नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म इंस्टीट्यूट ट्रेन एक्टर सुभाष घई की। वो ट्रेन्ड एज एन एक्टर, वाज डूइंग क्वाइट वेल, बट ही रियलाइज्ड दैट ही वाज नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। He then expanded his horizons and became not only a successful director, but a mentor of many a star. An industry leader whose production house, Mukta Arts, has just completed 37 years. A friend, guide and philosopher to those who want to make a mark. And Whistling Woods International Film School is a case in point. May I request him to address us? कितनी खूबसूरत शाम है और कितने प्यार से आप यहाँ आए, कितनी सद्भावना लेकर आप आए। एक इतना बड़ा अवार्ड, मंगेशकर अवार्ड, और दूसरा किसको दिया जा रहा है, उसका नाम है AR रहमान। इन दोनों के लिए हम आए हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत शाम क्या हो सकती है। AR रहमान, मुझे याद है कि इनका जब भी मैं नाम लेता हूं तो मैं ये कहता हूं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत की अपनी भाषा होती है। ये AR रहमान ने प्रूव कर दिया। मुझे अभी तक याद है कि मैं परदेश फिल्म बना रहा था और मैं मैसूर में शूटिंग कर रहा था, उसकी जो घर है वो गंगा का, महिमा का, तो वहां से मुझे दूसरी लोकेशन देखने जाना था और वहां पर कार में मैं बैठा तो एक जो ड्राइवर था मेरा वो तमिल था, साउथ इंडियन था, तो उसने कुछ अपना म्यूजिक चलाया, उसके पास एक ही टेप था और वो टेप था वो चल रहा था रोजा फिल्म का। आई डिड नॉट नो हिम दैट टाइम, आई हर्ड अबाउट इट कि यस देयर इज वन टैलेंटेड गाय। सो सुनते सुनते फिर मैंने इसको कहा एक बार कैसे और चलाओ, फिर चलाया उसने, फिर मैंने बोला एक बार और चलाओ, फिर मैं भूल गया ये पूछना कि ये म्यूजिक किसका है, इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो उसने बोला सर AR रहमान है। AR रहमान, मैं बॉम्बे गया और पहला फोन मैंने वहां से AR रहमान साहब का नंबर लेके इनको किया कि मैं आपको मिलना चाहता हूं और मैं आ रहा हूं, और मैं इनसे मिला और मैंने कहा कि मैं हिंदी फिल्मकार हूँ, तो कहने लगे मुझे हिंदी नहीं आती। सो मैंने बोला आपको हिंदी नहीं आती लेकिन आपको संगीत आता है, और मैं पहला प्रोड्यूसर था बॉम्बे से जो इनके पास गया और मैंने कहा कि हम फिल्म साथ में करते हैं। कहते जी मैं आपके गाने और फ्लूट स्टेज पे मैंने बहुत बजाई है और मैं आपका फैन रहा हूँ। मैंने बोला लेकिन फैन तो मैं हूँ जो बॉम्बे से चलकर आपके पास आया।
तो मैंने बोला ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने बोला लेकिन मैं आपको एक मान देना चाहता हूँ, मैंने आज तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ 10-12 फिल्में की हैं, उनका कुछ थोड़ा सा आपस में झगड़ा हो गया है, वो आजकल रूठे बैठे हैं, और मुझे ऐसा संगीत चाहिए अपनी फिल्म के लिए जो कि यादगार बने, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वही सम्मान दूँ जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देता हूँ, तो कितना पैसा दूँ मैं आपको? तो इन्होंने कहा लेट्स वर्क, एक ही वर्ड बोला। भूख आदमी को क्रिएशन की होती है, रचना की होती है, अपने आर्ट की होती है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो वो भाषा ना जानते हुए भी ए आर रहमान जो हैं वो ऐसा संगीत बनाते हैं जिसके कहा जाता है ताल का म्यूजिक, वो ताल बनाते हैं, और ताल का म्यूजिक आपको मालूम है कि कैसे, वो भी आधा पंजाबी और आधा हिंदी इनको बनाना पड़ा, और हम तीनों पंजाबी इनके साथ आनंद बख्श सीमा हैं और जो सुखविंदर पीछे पड़ गए कि आप इधर आइए, आप उधर मत जाइए, और इन्होंने 70 नाइट्स ताल म्यूजिक पर काम किया, और इन्हें प्रूव करके दिखा दिया कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कंपोजर हैं। कोई भी भाषा हो, चाहे मराठी का इतना सुंदर संगीत है, बंगाली का रविंद्र नाट्य संगीत है, संगीत जो है वो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, और एआर रहमान एक सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक कोई मशहूर हस्ती नहीं है, ये म्यूजिक कंपोजर नहीं है, मैं कहूँगा कि एक बहुत खूबसूरत आत्मा है, और इनका आत्मा इनके काम से जुड़ती है। He is one of the finest soul I have met. इनको देख के, इनसे बातें करके आपका भी मन करता है कि थोड़ी मेडिटेशन कर ही लें। So, ऐसे नहीं होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम जागृत करने के लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और आत्मा की शुद्धि के लिए संगीत बहुत जरूरी है, संगीत बहुत बहुत ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, और मैं अभिमान महसूस करता हूँ कि हमारे देश में लता मंगेशकर जी जैसे, दीनानाथ जी जैसे, ए आर रहमान जैसे संगीतकार और गीतकार और गायक हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस पीपल हु हैव स्प्रेड लव ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह उन्होंने अपना प्यार बताया, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ आज कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं इन्हें अपने हाथ से इनका अवार्ड दूँ। Thank you very much. Thank you. And now please do the honors.
Ladies and gentlemen, very soon they are starting an exhibition in Chennai. It is called the A.R. Rahman Trophies Exhibition. Actually, it is futile to listen to any of his songs, without the secret of that Rahman sound. The musician that India loves, the composer that the world looks up to, but the person. Thank you for the kind words, Subhashji. Thank you for the kind words, Hriday Mangeshkar ji. I'm such a big fan. Why? Because reason being, coming from a generation from the 90s making music, there are a lot of limitations to make tunes. So in those extraordinary situations, you know, when you look at light beyond, like the tunes which Hriday Mangeshkar ji has done, and the family of Mangeshkar family taking the flag of music for generations and inspiring a whole country is not an easy thing. And even to stand here amongst you, it's a great honor for me. And even this whole audience, this whole function is so beautiful, so from the heart. I've been to many functions, I've been abroad, I've been to Iran, I've been to America, England, all over the place, but this seems to be very, very special. I can feel a genuine energy. I'm so glad that I came and made it, and I want us to pray for the family, the Mangeshkar family, that they should be very happy for all the service they've done for music. And Subhashji, thank you so much for the kind words. Even today, when I go anywhere in the world, the first thing they say is Taal music. I think it's like a rubber stamp for me. And thank you all, my friends. God bless you all. There is a request from the media, particularly the visual media, that all the three Grammy Awards please stand together.